हाय गाइस, दिस इज मुनीश। आप जानते हैं जैसे मेरे को, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर पे बैठे लॉकडाउन में या फिर वैसे फ्री टाइम में यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाएं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे बेसिकली आप बीच में कोई भी चीज़ ना छोड़ सकें और अपने पूरे टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है यूट्यूब में अभी तक की, जो मैंने 29 फरवरी तक की देखी है, और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए। पहली कंडीशन है, आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपके 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आपको पैसे मिलने स्टार्ट होंगे। इसकी दूसरी कंडीशन आती है कि आपकी जो पूरी सारी वीडियोज़ हैं उनका टाइम मिला करके 4000 घंटे का टाइम होना चाहिए। मतलब मान लीजिए 10 मिनट की आपकी एक वीडियो है, दूसरी वीडियो 20 मिनट की है, और दोनों वीडियो को मिला करके एक ही बंदे ने देखा है, तो टोटल आपका जो वॉच आवर है वो आधा घंटा हुआ। इसी हिसाब से आपका टोटल जो वॉच आवर टाइम का है वो 4000 घंटे होने चाहिए सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। ये दोनों की दोनों कंडीशंस। अगर इसके बाहर जाते हैं, मान लीजिए 2 साल का आपका टाइम मिला करके 4000 घंटे होता है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपको एलिजिबल होना है तो 1 साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है इसमें, बेसिकली आपकी जो भी कोई भी वीडियो है वो 18+ नहीं होनी चाहिए। कहीं किसी में खून खराबा या गंद संद कुछ भी किसी तरीके का गलत काम नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली जिसमें सब बच्चे और बड़े सारे देख सकें, ऐसी ही वीडियो होनी चाहिए। अगर उसके सिवा कोई और वीडियो होगी तो एलिजिबल नहीं होगी, और हो सकता है यूट्यूब आपको ब्लॉक भी मार दे। अब सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं वो कैसे कैसे बढ़ाए जाएँ। ये मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा अगली स्लाइड में। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, आप वीडियो बनाने किस चीज़ पे चाहते हैं, आपका चैनल बनेगा किस लिए, क्या करना चाहते हैं उस पर, क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मतलब आपको नॉलेज किसी चीज़ की ज़्यादा है, कुकिंग करना चाहते हैं किस टाइप से, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले आप किड्स वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किड्स वीडियो का क्या होता है, बच्चे आजकल यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बड़े लोग कम वीडियोज़ देखते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा देखते हैं। तो किड्स वीडियो बनाने में आप उनको नॉलेज भी दे सकते हैं, साथ के साथ आप अपनी से अलग सा एक चैनल भी चला सकते हैं। किड्स वीडियो में ज़्यादातर आजकल ज़्यादा पैसा आता है जबकि नॉर्मल लोग कम देखते हैं। दूसरा है, आप कोई भी एक गेम ले सकते हैं अपनी और उसको खेल करके उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, और अपनी आराम से रिकॉर्डिंग कीजिए। जो भी ट्रेंड में गेम चल रही है, बहुत सारी गेमें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट अगर आप वो भी स्टार्ट कर देते हैं तो उसके साथ भी आप पैसा आराम से कमा सकते हैं। और डेली अगर आप 2 वीडियो भी डालते हैं तो आपका अच्छा वॉच आ रहा है अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाते हैं तो। तीसरी कंडीशन ये है कि बेसिकली अगर मान लीजिए जैसे आप ट्यूशन देते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस चालू कर सकते हैं। आप कोई भी एजुकेशन फैसिलिटी चालू कर दीजिए, जैसे सपोज़ कीजिए 10th क्लास है, 10th क्लास का आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया मैथ्स, उसकी पूरी NCERT को आप पेड भी चालू कर सकते हैं और अनपेड भी चालू कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप अनपेड फ्री पढ़ा रहे हैं, सारे लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, और जैसे ही आपके 4000 घंटे ख़त्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा आपका टाइम पे एक बार पूरा हो गया, उसके बाद आपके चैनल पर ऐड आने चालू हो जाएंगे और आपको उसके बाद हर बार पैसे मिलने चालू हो जाएंगे जितने आपके ऐड पे क्लिक होंगे। इससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और उनको आपसे आगे आपसे प्राइवेट ट्यूशन भी ले सकते हैं। चौथी चीज़ है, हम अपने दोस्तों के साथ मिल करके फ़नी वीडियोस बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप मज़ेदार वीडियोस बनाओ, फालतू में हम किसी ऐसे ऐप पे वीडियोस बनाते हैं जिस पे कोई फ़ायदा भी नहीं होता और दुनिया जहान वहाँ पर लगी हुई है, बट उसका फ़ायदा क्या है। हम यहाँ पर अगर वीडियोस बनाते हैं, कोई भी फ़नी वीडियो बनाते हैं, तो ये यूट्यूब हमारे को उस चीज़ के पैसे देता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो डॉलर्स में पेमेंट आती है वहाँ पर ना के बराबर पेमेंट आती है, तो आप ज़्यादा फोकस यहाँ पर करें वहाँ ना करके। पांचवा टॉपिक है कि आप कुकिंग वीडियोस बना सकते हैं। कुकिंग जो हम घर में कर रहे हैं, आजकल देखा होगा आपने लॉकडाउन के टाइम पे हर बंदा घर में कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, अगर हम उस चीज़ को वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले तो वो भी हम अपने चैनल पर डाल सकते हैं। छठी चीज़ है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, अभी तो वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी इन फ्यूचर कभी भी जाते हैं, तो हम कैसे गए, कहाँ से गए, कितने की हमने टिकट ली, कौन सा होटल बेस्ट है, कौन सा बेकार है, कितना खर्चा लगता है। अगर मान लीजिए आपको घूमना है तो कहाँ से आपका खर्चा बचेगा, हम स्कूटी से जाएंगे तो कितने पैसे लेंगे वहाँ पर लोकल घूमने के लिए, कोई कैब करते तो कितना लगता है, हर एक चीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ना तो लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे को मनाली जाना है तो मनाली में जाने से पहले मनाली की वीडियोज़ देखूंगा कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, फिर वहाँ पर होटल कैसा लूँ, वहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन सी जगह अच्छी हैं, तो हो सकता है वो आपकी वीडियो देखे और आपको चैनल को सब्सक्राइब करे। 7th आपका जो टॉपिक हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली न्यू आइडियाज़ के ऊपर।
आप लोगों को बिज़नेस आइडियाज़ दे सकते हैं कि हाँ आप ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करो, ये करो, आप जैसे कोई सी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालो, कोई मोमबत्ती की, कोई पेपर की, किसी भी चीज़ की। आपने देखा होगा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिस्टम बिल्कुल ना के बराबर है, सारा का सारा मामला चाइना से इंपोर्ट होता है। और अब लॉकडाउन के बाद मेरे ख्याल से मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होगी, या तो यहाँ पर होगी, और सबसे बढ़िया टाइम है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करने का। सबसे आठवां जो पॉइंट है हमारा वो है बेसिकली, हम जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो 60 और 60+ हैं, उन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स तो हैं बट वो यूज़ करना नहीं जानते और वो सीखना भी नहीं चाहते। तो बेसिकली क्या है, वो लोग यूट्यूब पे आजकल वीडियोस देखते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनके बच्चों ने सिखा दिया होता है। अगर आप उसमें वीडियो में ये सिखाएंगे ना कि कौन सा ऐप ईजी है, कैसा है, कहाँ जा करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और एक बात ध्यान रखना, ये 60+ जो लोग होते हैं, 55+ या 60+ और 15 से नीचे, ये लोग वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं। एक सर्वे से पता लगा है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो वीडियोस देखते हैं ना और सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं वो यही लोग होते हैं। तो इन दोनों पार्टीज़ के लिए अगर आप अपनी वीडियो बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदे रहेगी आपके लिए। अगर आप नॉर्मल वीडियो बनाते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा आपको अगर मान लीजिए कोई वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर नहीं करते होगे या इतनी जल्दी लाइक नहीं करते होगे। बट अगर कोई सीनियर है वो लाइक भी करता होगा, शेयर भी करता होगा और आपको बताता भी होगा अगर उसको वीडियो अच्छी लगी ना कि देख ज़बरदस्ती देख। तो इसलिए उन लोगों के लिए अगर वीडियो बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है और आपके चैनल की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब 9th पॉइंट जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी बेसिकली ग्रेजुएट स्टूडेंट है, कॉलेज पास आउट है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है एम्प्लॉयमेंट। जॉब्स हैं लोगों के पास लेकिन पता नहीं है कि कहाँ जाएँ और कैसे लें और किधर से लें। तो आप एक नौकरी जैसे कोई नौकरी का पोर्टल बना सकते हैं, कोई जॉब वैकेंसीज जैसे कहाँ से लें, किधर लें, अभी कौन सी निकली हुई है। एक कोई एम्प्लॉयमेंट जैसे साइट होती है कि अभी ये जॉब्स निकली हुई है, कोई प्राइवेट कंपनीज में इतनी है, सरकारी में इतनी निकली हुई है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस वेबसाइट पे जाकर के ऐसे फॉर्म भरो। इस तरीके की भी कोई वीडियो बना सकते हो आप जो आप हर वीकली निकाल सकते हो, हर संडे के संडे। अगर आप लोगों को ये बताओगे कि आज कौन कौन सी जॉब निकली है तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी तरीका है अपना चैनल को ग्रो करने का। अब मैं इसमें आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हम कैसे पैसा कमाएं बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो डालते हैं ना जिसमें कोई कॉपीराइट क्लेम होता है तो हमारे को उसके पैसे नहीं मिलते, ऊपर से हमारे को जुर्माना अलग भरना पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा, आप कोई भी कार्टून ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको गूगल ऐप पर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, कोई भी कार्टून ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे बेसिकली आप कार्टून बनाइए, जो भी आपको चुटकुले व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग में मिलते रहते हैं उसकी बस रिकॉर्डिंग कीजिए। आप दो बंदे कोई भी बैठिए और आराम से उसकी जोक्स बना करके 1 से 1.5 मिनट की वीडियो बना करके आराम से डालें। सबसे पहले हमारे को इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे को एक ऐप डाउनलोड करना है जो भी कार्टून का आपको अच्छा लगे, उसमें हमारे को फनी वीडियो जैसे मैंने आपको बताई कि कोई भी एक चुटकुला ले लिया, ठीक है। तीसरा इसमें हमारे को क्या करना है, जो भी हमने कंटेंट लिया है वो बेसिकली एक इंस्पिरेशन हो, कोई एजुकेशन लेक्चर हो या कुछ ऐसा हो जो सामने वाले को मज़ा आए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक चुटकुला तो बना दिया लेकिन वो चुटकुला किसी के समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा हो जो बढ़िया हो। चौथा जो हमारा पॉइंट है, ये आपको मेक श्योर होना चाहिए कि वो किसी को कॉपीराइटेड आइटम ना हो। बेसिकली आप किसी बड़े शो से किसी का मटेरियल ना चुरा रहे हो कि कोई आपने लाइव शो उठा लिया, उसके सारे जोक्स आपने पढ़ दिए वैसे के वैसे और वो आपने कार्टून ऐप से डाल दिए या रिकॉर्डिंग करके डाल दिए, तो वो चीज़ ना हो, ठीक है। ई पॉइंट जो हमारा है उसमें बेसिकली हमने ये कहा है कि किसी भी सेलिब्रिटी का नाम ना ले, कोई भी गलत शब्द का उपयोग ना करें और कोई भी वीडियो में ऐसी चीज़ ना बोलें कि बेसिकली जिससे किसी बंदे को हानि हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो YouTube आपके चैनल को ब्लॉक कर सकता है और ऊपर से आपकी वीडियोस तो डिलीट होंगी ही अलग। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, बेसिकली इस पर जा करके आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे जोक्स वहाँ पर डाले हुए हैं। हाँ, अब ये जो है बेसिकली गेम अगर हम कोई खेलते हैं तो इसमें मैंने बताया कि मैंने अभी जैसे आपसे डिस्कस किया था कि गेम रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे को क्या क्या करना चाहिए। गेम में बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं और अपलोड कर देते हैं, एक होता है कि हम लाइव गेम खेलते हैं। बेसिकली बहुत सारी आजकल गेमें हैं जो लाइव चलती हैं कि लोगों ने अपने लाइव चैनल चला रखे हैं और उसको अपलोड उसी टाइम गेम खेलते खेलते साथ में गेम चलती है। तो सबसे पहले कोई भी एक गेम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या ऐप सेंटर, जो भी जैसा भी आपको मोबाइल है एज़ पर सुटेबल। उसके बाद
वो गेम डाउनलोड करना जो ट्रेंड में चल रही है, जो बेसिकली लोगों के लिए बढ़िया है, जिसमें लोग ध्यान देते हैं, जो बेसिकली लोगों को पसंद आती है। मतलब आप ऐसी कोई थर्ड क्लास गेम डाउनलोड मत कर लेना जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको कोई पसंद नहीं करता और आपको पसंद है सिर्फ वो ना हो, ठीक है। ऐसी गेम पसंद करना जो बेसिकली दुनिया खेल रही हो और उस टाइम दुनिया के ट्रेंड में हो, और जो आप अच्छी तरह से जिसके बारे में बता सकें। उसके बाद आपको क्या करना है, सारी की सारी उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है कि कहीं उस गेम की रिकॉर्डिंग करना बैन तो नहीं कर रखा उस कंपनी ने, और जैसे भी है कि बेसिकली कोई उसमें गलती यूज़ तो नहीं है, कुछ उसमें गलत तो नहीं दिखा रहे, कोई गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत सारी गेम्स बैन भी हो जाती हैं। तो उस चीज़ को हमारे को पहले पूरी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है कि वो किसी भी चीज़ से दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई शर्तें लागू ऐसी ना हो उसकी जो बेसिकली आपको आगे आपकी वीडियो को ब्लॉक कर दे। इसके बाद जो हमारे को क्या करना है, जब हमने डाउनलोड कर लिया, हमारे को सबसे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना था। स्क्रीन रिकॉर्डर का ना मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा बेसिकली, लेकिन आप कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर लिखिए आप स्टोर पर, आपको 70 मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपनी गेम स्टार्ट कीजिए और रिकॉर्डिंग प्ले ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी आराम से गेम खेलिए, ठीक है, और आपको उसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड के बटन को बंद करते ही आपको बेसिकली क्या करना है, उसको जाके यूट्यूब पे अपलोड कर देना है, और कुछ नहीं। यूट्यूब पे अपलोड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, उस वीडियो को सेलेक्ट कीजिए, शेयर के बटन को दबाइए, और वहाँ पर आपको यूट्यूब का कॉलम बना हुआ नीचे अपने आप दिख जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, आप क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया जो आइडिया है, किसी भी आप क्या करें, अपनी जो वीडियोज़ बना रहे हैं, मैंने जैसे बताया था, कोई भी 10th क्लास का टॉपिक उठा लीजिए, 12th क्लास का उठा लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप बेस्ट थे, उसकी आप फ्री एजुकेशन दीजिए लोगों को। फ्री एजुकेशन देने में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चे हैं जो नहीं जा पाते, जो ट्यूशन नहीं ले पाते, अगर मान लीजिए वो आपका चैनल देख करके पढ़ रहे हैं, तो पहली बात आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने दान धर्म करा, और दूसरी बात आपको यूट्यूब उसके पैसे दे रहा है। अगर आपके 4000 घंटे एक बार चालू हो जाते हैं, उसके बाद आपके चैनल पर ऐड आने चालू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिलने चालू हो जाते हैं। और अगर आपकी वीडियो लोगों को पसंद आती है, आपकी पढ़ाई चीज़ें पसंद आती है, तो पहली बात आप प्राइवेट ट्यूशन्स भी दे सकते हैं, दूसरा आपके चैनल की पब्लिसिटी अलग होगी, आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसका पहला पॉइंट जो है, बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी क्लास लेनी है, और कौन सी स्पेशलिटी आपकी जो बेसिकली आप इजीली समझा सकते हैं, और उसकी आपको इजी ट्रिक्स पता है, मतलब बेसिकली इजी फॉर्मूलेस पता है, इजी तरीके पता है, जो नॉर्मल किसी बच्चे टीचर को नहीं आते होंगे। दूसरा जो आपको काम करना है, एक वीडियो कैमरा लेना है, और अपना उसको क्या कहते हैं, जो लीड होती है जिसमें माइक होता है, उसको अपने पास रखिए, और कैमरे को ऐसे लगाइए जो बेसिकली आपकी नोटबुक दिखे, ऐसा ना हो कि आप भी दिख रहे हैं, आपकी नोटबुक भी दिख रही है, और दोनों चीज़ों के चक्कर में जो आप लिख रहे हैं वो उसको दिख नहीं रहा क्लियर। तो बेसिकली नोटबुक के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना। उसके बाद जो आप लेक्चर दे रहे हैं वो बेसिकली ईजी होनी चाहिए, उसकी ट्रिक्स सॉल्यूशन कम्फर्टेबल होनी चाहिए। आप जो भी इंग्लिश वर्ड्स बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, मान लीजिए आपने पूरी रिकॉर्डिंग इंग्लिश में कर दी, लेकिन जितने आपके बच्चे ट्यूशन जो आपसे बेसिकली ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं या जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपने तो इंग्लिश में रिकॉर्डिंग कर दी, लेकिन 70% बच्चों को इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती, समझ में ही नहीं आती, तो आपका वो लेक्चर पूरा बेकार हो जाएगा। तो बेसिकली उस सरल भाषा को यूज़ कीजिए जो सामने वाले को समझ में आए, और उस तरीके से बोलिए जो बेसिकली सामने वाले को आसानी से समझ में आए, और आपकी ट्रिक समझ में आ जाए जल्दी से। ऐसा ना हो कि आप अपने स्टैंडर्ड के चक्कर में दूसरा बंदा आपको इग्नोर करे। उसके बाद हम आते हैं जो हमारे को वीडियो बनानी है, उसमें आपको बेसिकली डी पॉइंट जो है हमारा, वो आपको स्लोली स्लोली बोलना है। ऐसा नहीं हो कि आप तेज तेज बोले जा रहे हैं, एकदम से जोश में आ गए, और आपकी जो वीडियो की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और सामने वाले के समझ में ही नहीं आ रही। तो बेसिकली आपको स्लोली स्लोली बोलना है, ठीक है। हमारा जो ई पॉइंट है, बेसिकली जो आपने बनाई है उसमें सबसे पहले वीडियो में और लास्ट में ये ज़रूर बोलें कि आपको अगर कोई भी किसी भी चीज़ से दिक्कत है या कोई भी आपको समझ में नहीं आया है, तो वो आप कमेंट में नीचे लिख के मेरे को मेंशन कीजिए। उससे क्या होगा, कभी भी आप कोई भी बंदा आपके उस पे चैनल पे जाके कमेंट करता है ना, तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो आपके चैनल में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये बात ज़रूर मेंशन कीजिए कि अगर मेरे पढ़ाई हुई चीज़ से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे से प्लीज़ संपर्क करें और कमेंट में ज़रूर डालें, ठीक है। उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे, तो कभी भी उसमें उस बुक का राइटर का, ऑथर का, या किसी भी चीज़ का नाम मेंशन मत करना। सिंपल लिखना कि ये हमारे CBSE बोर्ड में ऐसे ऐसे है, या मतलब बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन है ऐसा है और इसका आंसर ये है,
कभी भी किसी ऑथर का, किसी बुक राइटर का या किसी भी बड़ी कंपनी का नाम कभी मत लेना, क्योंकि कोई भी कंपनी आपके ऊपर ये कैसे कॉपीराइट क्लेम डाल सकती है कि इसने मेरा वो फॉर्मूलेस को यूज़ किया है। चौथा जो हमारा पॉइंट है, मेक फनी वीडियोज़ विद फ्रेंड। बेसिकली आप अपने दोस्तों के साथ, जैसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसमें आप 15 या 30 सेकंड की फालतू वीडियोज़ बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली लाख में से भी एक बंदा शायद उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता होगा। बट जो यूट्यूब है इसमें क्या होता है, जिसके 1000 सब्सक्राइबर हो गए और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया, उसको यूट्यूब पैसा देना चालू कर देता है। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता लाखों में एक, इसमें बेसिकली क्या है, जितने बंदे एलिजिबल होते जाएंगे सबको पैसे मिलते जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ हमारे को ज़्यादा फ़ायदा है वहाँ सोशल उन ऐप से, ठीक है। तो बेसिकली सॉरी, आप अपने कोई भी दो या दो से ज़्यादा फ्रेंड चूज़ कर लीजिए। एक सबसे पहले आइडिया डिसाइड कीजिए कि हमारे को वीडियो बनाने किस पर्पज़ पे है, जैसे जोक है, लेक्चर है, कोई डिस्कशन है, या कोई न्यूज़ बताना चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है। कोई भी आप आइडिया लेते हैं तो कॉपीराइटेड आइटम आइडिया मत लीजिएगा, जैसे कोई मूवी मत लेना, कोई सीरियल से मत लेना, अपना अलग से डिफरेंट आइडिया यूज़ करना। कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई गंदे शब्द नहीं होने चाहिए, और डिसरिस्पेक्ट वीडियो ना हो, मतलब कोई टीचर को ना मार रहा हो या कुछ ऐसा ना हो कि कोई गलत काम हो रहा है उसमें। उसके बाद हम आते हैं, जो बेसिकली आपको कैमरा यूज़ करना है वो गुड क्वालिटी कैमरा यूज़ करना है। हाँ, तो मैं कह रहा था इसमें जो आपको कैमरा यूज़ करना है वो गुड क्वालिटी कैमरा यूज़ करना है। अच्छी क्वालिटी का अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको बेसिकली क्या होता है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलती है। और बेसिकली इसमें यूट्यूब में कोई लिमिट नहीं होती कि इतनी MB तक ही आप वीडियो डाल सकते हैं। इसमें आप 2 से 3 कैमरे यूज़ किए हैं अलग अलग एंगल से, इससे क्या होगा बेसिकली आपको जो है अलग अलग, मान लीजिए अभी आप यहाँ से दिखाना चाहते हैं या फिर कभी आप वहाँ से शॉट लेना चाहते हैं, तो आपको एक ही बारी में सारा काम ईजिली हो जाएगा। आप जो एफ पॉइंट जो है, बेसिकली जो भी आप वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई इंस्पिरेशन या मोरल एक्टिविटी जरूर बताना, क्योंकि अगर आप इंस्पिरेशन या मोरल एक्टिविटी उसमें डालते हैं तो क्या होता है, वो किड्स वीडियो में आप डाल सकते हैं और किड्स उसको बहुत पसंद करते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आपकी वीडियो को दिखाना बहुत पसंद करेंगे अपने किड्स को। फिर उसके बाद जो है, जो आपने जितने भी शॉट्स लिए हैं बेसिकली 3 अलग अलग एंगल से, जितने भी आपने फोटोज़ खींची या वीडियोज़ बनाए, उसको अंदर जो बेस्ट पार्ट है, मान लीजिए एक जो फर्स्ट एंगल से जो आपकी वीडियो आ रही है वो पहले अच्छी आ रही है, फिर बाद में जो सेकंड एंगल से अच्छी आ रही है, तो जो बेस्ट पार्ट हो वही बेसिकली उसके अंदर यूज़ करें और कोई और यूज़ ना करें। जो बेस्ट हो सारे इकट्ठे कलेक्ट करें, उसके बाद ही उसको अपलोड करें। और सबसे आखिरी बात नोट करें कि कोई भी उसके अंदर कॉपीराइटेड म्यूज़िक ना डालें, अपना जो भी म्यूज़िक डालें अलग से डालें। इसके बाद हाँ, जैसे कि कुकिंग वीडियोस, अब हम इसमें बना सकते हैं कुकिंग वीडियो। सबसे पहले हम, मेरे को क्या करना है, इसमें कोई भी एक रेसिपी डिसाइड कर लीजिए। आजकल वैसे ही हम लॉकडाउन में इतना सब कुछ बना रहे हैं, पता नहीं क्या 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 बनाते हैं, तो जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं एक बार डिसाइड कर लीजिए। उसके बेसिकली फिर जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें एक एक चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे चम्मच नमक लेना आपको इतने चम्मच, चीनी लेनी है इतनी चम्मच, या कुछ भी लेना है जो भी है, एक एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप उसमें मेंशन कर दीजिए। फिर डाउनलोड कर लीजिए एक मर्जिंग ऐप प्ले स्टोर से। बेसिकली क्या है कि जो भी आप खाना बनाने की वीडियो होती है वो अलग अलग वीडियो शॉर्ट्स में बनती है, तीन चार बार में बनती है, तो इसलिए आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें जो आप वीडियोस हैं मर्ज कर सकें। क्योंकि मान लीजिए सुबह आपने आटा गूंदा, उसके बाद वो थोड़ा हल्का सा गर्म मतलब ठंडा होगा, उसके बाद फिर आप उसकी जो भी बनाओगे, तो इसलिए उसको ना बार बार वीडियोज़ को मर्ज करना पड़ता है। तो वीडियो मर्जिंग ऐप ज़रूर डाउनलोड करना इसके लिए। उसके बाद जो ऑल इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉरी मैंने बी पॉइंट में गलती से वो बोल दिया, कि जो बी पॉइंट ये था कि आपने जो भी वीडियो बनाई है वो स्टेप बाय स्टेप बनाए। मैंने जो जैसा बताया इसमें कि हर एक चीज़ का टाइम लगता है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको बनाए। डी पॉइंट जो है इसमें क्या, ऑल इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली क्या है कि आप चम्मच सॉल्ट कितना ले रहे हैं, उसमें हल्दी कितनी ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं। और ये भी मेंशन कीजिए कि कितना गर्म करना है, कितनी देर तक गर्म करना है। कभी पता चला आपने कहा उबाल ले और कितनी देर तक उबालना है ये सामने वाले को बताया नहीं, और अगले का खाना बना हुआ बेकार हो गया, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद हमारे को क्या करना है, ई पॉइंट जो है हमारा, आफ्टर दैट फाइनली टेस्ट योर फूड। बेसिकली आप अपना खुद पहले फूड टेस्ट करके देखिए, और सबसे पहले अपने 4 से 5 दोस्तों से
टेस्ट करवाइए और उसको देखिए कि वो बेसिकली अच्छा बना भी है या नहीं। कभी आप पता चले आपने वीडियो तो डाल दी और पता चले खुद का खाना ही ख़राब बना था, और अगले जितने भी बंदे बना रहे हैं वो भी ख़राब बना रहे हैं और कमेंट में कभी कुछ गलत गलत लिख रहे हैं, तो उससे बढ़िया पहले खुद टेस्ट करके देखें। उसके बाद जो भी आपकी वीडियो बनी है उसके सारे पार्ट मर्ज कर लीजिए, क्योंकि हमने मर्जिंग ऐप जैसे हमने पहले भी डाउनलोड करा था उसको पहले मर्ज कर लीजिए, और अपनी वीडियो में फिर लास्ट में यही मेंशन करना कि कोई भी किसी को दिक्कत हो, अगर किसी का भी टेस्ट बढ़िया ना आया हो या किसी को किसी भी तरीके से कुछ पूछना हो तो वो हमारे को कमेंट में मेंशन ज़रूर करे। इसके बाद अगर मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, घूमने जाने के ऊपर अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहले अपनी डेस्टिनेशन चूज़ कीजिए। कोई भी एक जगह, मनाली हो गई, मसूरी हो गई या फिर गोवा हो गई, कहीं भी आप जा सकते हो, ऊटी जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जगह चूज़ कीजिए, उसके ऊपर फिर वो भी स्टेप बाय स्टेप ही वीडियो बनेगी आपकी ये वाली भी। सबसे पहले आप किससे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एयर से जा रहे हैं, तो और उसका किराया कितना कितना है, फिर उसमें से आपको कौन सा बढ़िया लगता है कि हाँ यार मैं तो बस से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये बढ़िया लगा, पूरी रात का सफ़र था और टाइम भी उतना लगा, एयर बाय एयर जाता तो इतना ज़्यादा लगता या ट्रेन से इतना कम लगता, ठीक है। फिर अपना जब आपने बजट और ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप रूट कौन सा ले रहे हैं, बेसिकली आप ISBT से आपने बस ली या कहीं से अलग से ली, ट्रेन स्टेशन गए तो कौन सा स्टेशन था, कौन सा बेस्ट है कौन सा बेकार है, ठीक है। उसके बाद ई पॉइंट जो हमारा, वहाँ पर जब भी आप जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन जाते हैं या बस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाएं कि बेसिकली हम वहाँ पर आप गए, वहाँ पर आपने कैसा कैसा देखा, अच्छी सर्विसेज हैं वहाँ पर या नहीं, वहाँ पर बस ढूंढना आसान है या नहीं, या दिक्कत तो नहीं होती किसी तरीके से, किन लोगों से बच के रहें, किन सेल्समैन अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद जब आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर तो बेसिकली एफ पॉइंट में है कि वहाँ पर आपने कैसा रूम लिया, कंफर्टेबल था, बजट कैसा था, वो एरिया कैसा था, वहाँ पर सर्विसेज कितनी फ्री थी, वाईफाई फ्री दे रहे थे नहीं दे रहे थे, रूम सर्विस फ्री थी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें उसमें डालनी चाहिए। हाँ तो जी पॉइंट जो हमारा है बेसिकली इसमें है कि बेसिकली आप वही पॉइंट वही जगह विजिट किए जो बेसिकली फेमस है। मान लीजिए आप ऐसी कोई जगह जाते हैं जो फेमस नहीं है तो वो भी लोग देखते हैं, लेकिन बेसिकली पहले उन स्थानों पर जाए जो प्रसिद्ध है, बेसिकली बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग उन्हें जाना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग वीडियो वहाँ पर यह है कि आपको नॉलेज वहाँ पर से ईजिली मिल जाएगी, आपको ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादातर अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर लोग कम जाते हैं लेकिन आपको वहाँ पर आपका गांव बिलोंग करता है या कुछ और है या फिर किसी दोस्त के थ्रू गए थे तो वो वीडियो भी डालिए, क्योंकि क्योंकि कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं ना तो लोग उस पर भी अट्रैक्ट होते हैं। पहले तो लोग वहीं जाते हैं जहाँ पर जो चीज़ मशहूर है, लेकिन कभी कभार कुछ होते हैं जिनको एडवेंचर करने की आदत होती है तो वो ऐसी जगह भी जाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट प्लेसेस हो। उसके बाद वहाँ पर मेंशन कीजिए बेसिकली कि वहाँ का खाना कैसा है, वेज ऐसा है, नॉन वेज कैसा है, स्ट्रीट फूड कैसा है। स्ट्रीट फूड बेसिकली ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि कोई लोग बजट को बहुत लेके बहुत सीरियस होते हैं, तो स्ट्रीट फूड सबसे सस्ता होता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा टेस्टी भी होता है, तो इसलिए स्ट्रीट फूड का वहाँ का ज़रूर बताइएगा। और रेस्टोरेंट्स कैसे हैं ये तो आप बताएंगे ही। आई पॉइंट में यह है कि बेसिकली जो भी शॉपिंग प्लेसेस हैं आपके वहाँ पर कैसे आपने शॉपिंग कर सकते हैं, कितना बजट लेके चले हैं, क्या परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ की मशहूर चीज़ क्या है, वहाँ से आप क्या लेके आ सकते हैं जो आपको ईजिली आपकी स्टेट में या फिर आपकी सिटी में नहीं मिलता, जो आपको पर्टिकुलरली वहाँ मिलता है। उसके बाद जैसे ही आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर उसके नीचे ज़रूर लिखे कि कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा। हो सकता है कि मेरी वीडियो में वो रिकॉर्ड करनी रह गई हो तो मैं आपको उसके लिए ज़रूर बताऊँगा, तो ज़रूर कमेंट मेंशन करें। सातवां हमारा पॉइंट है बेसिकली आप जो वीडियो बना सकते हैं वो नए आइडियाज़ के ऊपर बना सकते हैं कि अभी बेसिकली जैसे मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, अब नए आइडियाज़ लोगों को चाहिए, नया बिज़नेस स्टार्ट करना है और वैसे भी आपको पता है इम्पोर्ट होना शायद हो सकता है बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है बट हो सकता है, क्योंकि तो फिर उस हिसाब से नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट बजट्स के अपने एक आइडिया सोच लीजिए कि इस बजट में ये वीडियो बन सकती है, इस बजट में ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद उसको जो है मेंशन कर दीजिए कि ये जो बिज़नेस आपका ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं, सारे तरीके से बता दीजिए। उसके बाद सी पॉइंट में आप उसमें बताइए कि उसमें मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलेगा, सस्ता कहाँ से मिलेगा, कहाँ आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। फिर डी पॉइंट में हमने बताया है कि बेसिकली उसका जो प्रोसेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, कि आप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाएं, कैसे करें, खुद कैसे करें और दूसरे से कैसे करवाएं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो,
वैसे तो मेरी बात माने तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। अब ऑनलाइन के लिए जैसे ही उसका, अब मान लीजिए उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद डाल रखी है, अब उसने प्रोडक्ट पूरा पकड़ लिया या फिर वो किसी और से बाय कर रहा है, तो ऑनलाइन के लिए वो कैसे अपना प्रोडक्ट बेचे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, खरीदना बहुत आसान है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी ठीक है, एक बार के लिए बंदा इन्वेस्टमेंट कर लेता है लेकिन डाल लेता है, लेकिन उसको बेचेगा कैसे? तो जैसे ही बेसिकली मान लीजिए उसका प्रोडक्ट फिनिश हो गया, वो ऑनलाइन उसको बेचने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले उसका बताना है कि जो भी वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है वो बेसिकली अपने कंट्री के अंदर बनाए। आप जो भी वीडियो बनाओगे ना उसमें ये जरूर डालना कि बेसिकली मोटिवेशनल होता है कि हमने अपना प्रोडक्ट जो है इंडिया में बनाया है या अपनी कंट्री में बनाया है, उससे मोटिवेशन मिलता है, आपका जो व्यूअर है आपको देखेगा, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली जो आपने बिजनेस सेटअप करा है वो कहाँ से सेटअप करा है, कि अपने घर से बनाया है, अपनी बेसिकली कैसे कॉस्टिंग लगी है उसमें, कैसे बढ़ाई है कॉस्ट, कैसे घटाई है, ठीक है, क्या क्या आपने करा, कैसे कैसे करा, कितना स्टाफ चाहिए उसके लिए, कहाँ से लेके आए, कितना मतलब पढ़ा लिखा हो कितना ना हो, अगर 10वीं पास से भी आप काम चला सकते हैं, 12वीं पास से भी चला सकते हैं, पार्ट टाइम भी रह सकते हैं, फुल टाइम भी रह सकते हैं। उसके बाद बेसिकली वो कैसे उसको कंप्लीट, प्रोडक्ट को कंप्लीट करके बल्क मोड में कैसे आपको बेच सकते हैं, कैसे नहीं, अब उसके बाद जो बेसिकली बंदे चाहते हैं कि ऑनलाइन वीडियो बिजनेस वीडियोस मतलब बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, उनके लिए सबसे पहले आप उनको बताइए कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, और उसके बाद अपनी ऑनलाइन किसी भी ई कॉमर्स साइट पर जा करके अपनी आईडी बना लीजिए, बहुत सारी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन उसी वेबसाइट पर बनाना जो बेसिकली मशहूर हो, जो ट्रेंड में हो, क्योंकि कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो आपको पैसा नहीं देती, आपका पैसा ब्लॉक कर देती है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसी बहुत सारी हैं, बट ऐसी भी बहुत सारी हैं जो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करती हैं, तो किसी ना किसी पुराने ई कॉमर्स में जो बिज़नेस कर रहा हो, 6-7 महीने पुराना हो, अच्छी सलाह देने वाला इंसान, उससे एक बार सलाह ज़रूर ले लेना, और एक बार नेट पे डाल करके किसी भी सर्च इंजन पे सर्च जरूर कर लेना कि किस कंपनी की रेटिंग कैसी है, कैसे उसके रिव्यूज़ हैं, कैसा लोग उसके बारे में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो में बताइए कि कैसे वो अपना प्रोडक्ट अपलोड करे, क्योंकि देखो सबसे आसान है किसी को भी आप कह दीजिए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर ले, लेकिन उसको पता ही नहीं आईडी कैसे बनेगी, किससे जाके कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना उसको यही नहीं पता होता, ठीक है। उसके बाद उसको ये ज़रूर बताएं कि जो भी उसने प्रोडक्ट्स डाले हैं उसका एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम सपोज़ कीजिए आपने जूते डाले, ठीक है, आपके जैसे 500 और सेलर हैं आपके ही स्टेट में, आपकी ही सिटी में, जो उस जूते को सेल कर रहे हैं, तो आपको उसका ऐड छोटा मोटा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी सेल होती है, उससे पहले नहीं होती, तो उसको ये ज़रूर बताएं कि सबसे सस्ता जो ऐड है वो यहाँ से मिल सकता है, इस प्राइवेट वेबसाइट से ले सकते हो आप या किसी ऐसे से ले सकते हो, क्योंकि बिना एडवर्टीजमेंट के सेल होना मतलब बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जैसे ही आपकी बेसिकली मान लीजिए आपको आपकी सेल हो गई, मान लीजिए आपके पास ऑर्डर्स होने आने चालू हो गए, उसके बाद आपको कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करना है कंपनी को, आपकी जो ई कॉमर्स कंपनी है वो खुद आपके घर पे आके सामान लेके जाएगी या फिर आपको किसी प्राइवेट कंपनी से अगर आप टाइप करते हैं तो क्या क्या खर्चा पड़ता है। उसके बाद आपको मान लीजिए प्रोडक्ट भी पहुँच गया, कस्टमर को पसंद भी आ गया, उसके बाद 15 डेज़ का मार्जिन होता है, 15 डेज़ के मार्जिन के बाद आपको पैसे आपके मिलते हैं जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिफंड नहीं करता, तो वो पैसा आने का प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए करेंट अकाउंट चाहिए, सेविंग्स अकाउंट चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सब कुछ वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसमें ये ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मान लीजिए GST लेना पड़ेगा आपको, या फिर आप खाली लेबर सर्टिफिकेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी चालू कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो जैसे जैसे मतलब बेसिकली जिनकी KYC है, मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहिए, बस कुछ छोटी भी कंपनी है जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पे भी स्टार्ट कर देती है, तो हर वेबसाइट के बारे में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हर बिजनेस आइडिया पे ये जरूर बताइएगा, मान लीजिए आप जैसे जूते बेच रहे हैं या फिर आप शर्ट्स बेच रहे हैं, तो किस में कितना रेवेन्यू आ सकता है, मान लीजिए आपकी शर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आती है 40 रुपये और जूते की आती है 80 रुपये, दोनों बिकते 100 रुपये के हैं, तो प्रॉफिट जो है ज़्यादा शर्ट में है, बट शर्ट की जो है सेल कम है और जूते की सेल ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा है, कितना वॉल्यूम बिक जाती है, कितना अंदाज़ा चला जाता है, कितना रुक जाता है, वो सारी चीज़ें उसको ज़रूर बताएं। अगर मान लीजिए आप पुराने जो ओल्ड एज लोग हैं उनको बता रहे हैं कि स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना है, कौन से ऐप आपके लिए बेस्ट है, कौन से नहीं, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को सिखा सिखा के थक चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि वो खुद ही सीखे, और सब चाहते हैं कि आज के टाइम में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो स्मार्टफोन चलाना सीख जाएँ, जिससे वो वीडियो कॉल कर सकें, व्हाट्सएप पर टच में रह सकें, हर बंदा हर टाइम पर कॉल ना करे हर चीज़ पूछने के लिए, तो आजकल हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए एक अच्छी वीडियो आप बना सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, मतलब लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो वो वीडियो बनानी बहुत अच्छी है। सबसे पहले
आपको क्या करना है, सिंपल ऐप ढूंढिए सोशल नेटवर्किंग में। सबसे सिंपल ऐप कौन सा है मान लीजिए, और कुछ उनको सिखाना है तो सबसे, जैसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब एक ऐप है, वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंपल ऐप्स ढूंढिए, ठीक है। उसके बाद उसमें मेंशन कीजिए कि बेसिकली कि वो उसको बेसिकली कैसे इजी इजी यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे कैसे वो बेसिकली जो अपनी चीज़ें भूल जाते हैं वो उसमें कैसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई अलार्म लगाना होता है कि मान लीजिए 4:30 बजे आपको यहाँ जाना है, आपने एक अलार्म लगा लिया कि हाँ भाई 4:30 बजे मेरे को यहाँ जाना, वो लिखा हुआ आ जाएगा उस पर, और आप उनको बता सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे कैसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के अलग अलग ऐप्स कैसे कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे वो अपनी भूली हुई चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला फ़ायदा है ओल्ड एज लोगों को वीडियोस बनाने का, ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो बेसिकली स्किप कर करके कभी भी आपकी वीडियो नहीं देखते, वो आपकी वीडियो जो है पूरी प्रॉपर ढंग से आराम से देखते हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं वो स्किप नहीं करेंगे, और आपका वॉच टाइम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी वीडियो 10 मिनट की भी है तो आपका वॉच टाइम इतनी स्पीड से बढ़ेगा वो पूरी 10 के 10 मिनट आपकी वीडियो देखेंगे। बल्कि अगर मेरे और आपके जैसे बंदे, अगर मान लीजिए 24-25 साल का कोई बंदा है या 20 साल का कोई बच्चा है, तो उस वो क्या करता है अपनी जो भी वीडियो देख रहा है वो फटाफट स्किप स्किप करके देखेगा। उससे क्या होता है हमारा वॉच टाइम जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी 1 घंटे की वीडियो है, आपने 1 घंटा मेहनत की है, वो क्या करेगा उसको 5 मिनट में ख़त्म कर देगा, वो मेन मेन कंटेंट देखेगा और आपको उसको स्किप कर देगा, और फिर हो सकता है बीच में भी बंद कर दे। बट ओल्ड एज लोग जो होते हैं एज़ पर मेरे जो मैंने देखा है, तो वो लोग क्या करते हैं वो वीडियो को आराम से पूरा चला चला के आराम से देखते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं, वो स्किपिंग नहीं करते क्योंकि उनको स्किपिंग आती ही नहीं है। उसके बाद जब वो आपकी वीडियो को लगातार देखे जा रहे हैं तो आपका वॉच टाइम जो है वो बहुत तेज़ बढ़ रहा है, और उससे बेसिकली क्या हुआ आपको जो है एड्स जल्दी मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एड्स पे जो क्लिक भी होते हैं ना, वो भी बेसिकली क्या होता है नॉर्मल जो आपकी एज होती है ये 18 से लेकर 36, ये लोग क्या होते हैं वीडियोज़ को इग्नोर करते हैं, एंड पे क्लिक भी नहीं करते। बट जो ओल्ड एज होते हैं, जो किड्स होते हैं, वो आपकी वीडियो अगर उनको मान लीजिए वीडियो पे कोई ऐड आया उनको वो अच्छा लगा तो उस पर वो क्लिक जल्दी करते हैं, तो बेसिकली इससे आपके ऐड जो हैं बिकने भी जल्दी चालू हो जाएंगे। उसमें जो बेसिकली आप ऐड लगा रहे हैं, हाँ जो भी आप उनमें ऐप्स बता रहे हैं, जो भी सिंपल ऐप्स बता रहे हैं उनको, उसमें एक चीज़ ज़रूर बताएं कि जो भी ऐड आते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़बरदस्ती ऐड आ रहे होते हैं फिर फालतू के, उसको काटना होता है ऊपर से स्किप करना होता है, तो वो वाले ऐप्स उनको ना बताएं क्योंकि इरीटेट होते हैं ओल्ड एज लोग होते हैं ना। मान लीजिए वो किसी ऐप को खोल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग ऐप को आपको मैसेज करने के लिए, उसके बाद उसको खोलते ही एकदम से ऐड आ जाता है, तो वो चीज़ ना डालें उसमें। बेसिकली क्या है उससे उनको नुकसान होगा और वो उस ऐप को फिर यूज़ करना बंद कर देंगे, वो बार बार उसको ऐड को काटेंगे, पता नहीं ऐड कैसे कैसे अजीब अजीब से आते हैं, तो उस चीज़ से ना हो, ठीक है। उसके बाद बेसिकली 9th पॉइंट जो है हमारा, आप वीडियो बना सकते हैं ग्रेजुएट्स मतलब क्या कहते हैं जॉब्स के लिए, कि ग्रेजुएट जो लोग हैं या 12th पास जो लोग हैं वो जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, 18 प्लस जो भी लोग हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसमें जो है बेसिकली जो भी ये वीडियो है इसमें जो आपका वॉच टाइम होता है ना सबसे ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए जैसे आप जॉब की जो कंसल्टेशन है सबसे अच्छी दे रहे हैं, चाहे आप फ्री में दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए आप जॉब्स के रोज़ बता रहे हैं कि आज ये नौकरी निकली आज वो नौकरी निकली है, तो आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक सिंपल सा ब्लॉग बनाना है, जो आपको बहुत सारे फ्री वैसे ही मिल जाएंगे, सर्च इंजन पर आके सर्च कीजिए आप कोई भी एक ब्लॉग या वेबसाइट बना लीजिए, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिए, लोगों को बताइए कि कौन कौन सी आप साइट्स पे जाएं, कौन कौन सी जो बेसिकली जॉब्स निकली हुई है अभी मार्केट में, मान लीजिए ये सरकारी नौकरी निकली हुई है, प्राइवेट नौकरी है, आप किसी बैंक की नौकरी निकली हुई है, इसकी साइट पे जाकर के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक आपने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने उसके में, ठीक है। उसमें बेसिकली सब कुछ बताइए कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की जॉब है, कौन सी प्राइवेट सेक्टर की है, किसमें कितना प्रेशर है, किसमें क्या है, कौन सी कन्वीनियंस है, कौन सी किस लोकेशन पर अवेलेबल है, वो जो भी आप सारा डाटा इकट्ठा करते हैं वो आप अपने पोर्टल पर डालिए और उसके लिंक्स दिखाइए। उसके बाद जो भी आप बेसिकली वेबसाइट चला रहे हो उस पर कोई भी आप मनी चार्ज मत कीजिए, क्योंकि आप अगर मनी चार्ज करते हैं ना तो बंदा वहाँ से इग्नोर करता है और फिर वो दूसरी वेबसाइट पे आता है। तो अपनी जो सर्विसेज हैं आप हमेशा फ्री रखिए, और जो भी आपको इनकम करनी है ना वो हमेशा ऐड से कीजिए,
कभी भी अगर आप कस्टमर से पैसे लेते हैं, मतलब मान लीजिए जो भी विजिटर होता है उससे अगर आप पैसे लेते हैं तो विजिटर्स आने कम हो जाते हैं। अगर आप फ्री रखते हैं अपनी वेबसाइट को तो विजिटर्स आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, और अगर आपके विजिटर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको ऐड कोई भी कंपनी आराम से दे देगी, कुछ नहीं तो आपको गूगल एडसन का ऐड तो आराम से मिल ही जाएगा। उसके बाद बेसिकली सबसे पहले जो भी आप वीडियो बना रहे हैं उसका करेक्ट लिंक प्रोवाइड कीजिए अपने ब्लॉग्स पे, और उसको चेक भी करते रहिए कि बेसिकली जो भी आपने लिंक डाले थे कि हाँ भाई इस वेबसाइट पे जाकर के आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वो सही भी है। मान लीजिए 10-15 दिन बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाता है तो वो भी एक दिक्कत है, कहीं पता चले 10 दिन बाद वो जो वैकेंसी फुल हो गई और आपके ब्लॉग पे वो अभी भी पड़ा है, तो बेसिकली क्या होता है उससे लोग इरिटेट होते हैं। उसके बाद अपने जो आपने ब्लॉग बनाया उसकी एक वीडियो ज़रूर बनाइए यूट्यूब पर डालने के लिए कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा ब्लॉग बनाया और उस पर मैं बेसिकली ये जानकारियाँ देता हूँ कि आप ऐसे काम कर सकते हैं, कोई भी काम उसमें सैलरी ये है, ऐसे उसको अट्रैक्शन है और आप यहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, ये आपके घर से इतना दूर है, ये इस सिटी से इतना दूर है, जैसे भी आपको लोकल ब्लॉग है उस हिसाब से आप बता सकते हैं उसमें। और बेसिकली उसमें जो है आप वीडियो जो डाल रहे हैं वो वीकली डालिए, हर हफ्ते डालिए। बेसिकली बहुत सारे पेपर हैं जो जॉब्स के हर हफ्ते आते हैं, और हर हफ्ते आपको बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मिल जाएगी कि ये नौकरी निकली है, वो नौकरी निकली हुई है। इससे क्या होगा, अगर आप वीकली उस पर डाल रहे हैं ऐड तो आपकी वीडियो को हर बंदा देखने लग जाएगा, और वीकली डालने वाले को क्या होता है कि बंदे आपको फॉलो जल्दी करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए वीडियोस रेगुलर नहीं डाल रहे तो लोग आपको इग्नोर करने लग जाएंगे और एक टाइम के बाद आपके चैनल को लोग भूल जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूस वे में वीडियोस डालते रहेंगे तो आपके चैनल को लोग फॉलो करते रहेंगे। अब इसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मान लीजिए अभी हमने इतने सारे आइडिया डिस्कस करे लेकिन अब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, वीडियोस तो हमने बना दी, डाल तो दी लेकिन लोग नहीं आ रहे देखने के लिए, वॉच आवर्स नहीं बढ़ रहे, आपके व्यूज़ आए, मान लीजिए 20 मिनट की वीडियो है 20 व्यूज़ आए लेकिन वॉच टाइम जो बन रहा है वो 5 व्यूज़ के हिसाब से भी नहीं बन रहा, ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी आपको ट्रैफिक आ रहा है बेसिकली आपके चैनल पे वो फ्री मेथड से आना चाहिए, ठीक है, जो भी बेसिकली आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्री होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पेड मेंबरशिप ले रहे हैं बेसिकली कि नहीं भाई तू मेरे को पहले पैसे दे उस हिसाब से फिर मैं आपको ट्रैफिक दूंगा, तो वो मत कीजिए। जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं, मान लीजिए आप कुकिंग सिखा रहे हैं या फिर कोई क्लासेस दे रहे हैं, वो बेसिकली फ्री मेथड्स होनी चाहिए। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें वॉच आवर्स कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसी भी स्लाइड्स में कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा नंबर कि कैसे कैसे अपने आइडियाज़ को फिनिश करें, उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम स्पेंड करें हम यूट्यूब पे एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क, ठीक है, फुल टाइम तो ना ही करें आप मेरी बात माने तो पार्ट टाइम वर्क ही करें, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फुल टाइम हमारे को जॉब ही करनी चाहिए, एक रेगुलर इनकम जरूरी है और एक पार्ट टाइम इनकम चाहिए चाहिए। उसके बाद मैं अपने नंबर ऑफ़ व्यूज़ कैसे इंक्रीज़ करूँ, उसके बाद मैं बेसिकली सारा का सारा चीज़ चेक कैसे करूँ कि मैंने जो भी बेसिकली मेरा चैनल चल रहा है उसकी एक्टिविटी क्या है कैसे है, वो मैं आपको अपनी भी अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरा चैनल कितना ग्रो कर रहा है, मैंने आपको कंसल्ट तो दी है बट मेरा चैनल खुद का कहाँ है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें ये है कि हम सबसे पहला अपना ट्रैफिक जो है चैनल का वो फ्री मेथड से कैसे बढ़ाएं, क्योंकि पेड मेंबरशिप तो आपको मिल जाएगी लेकिन आप पेड मेंबरशिप में पैसे दोगे किसी और को, फालतू में कोई पैसे लेके भाग जाए, कोई आपको पैसे मान लीजिए यूटिलाइज ढंग से हो ना हो, आप जब तक उसको पैसे दे रहे हैं वो आपको बेसिकली तब तक तो वो दे रहा है मतलब ट्रैफिक दे रहा है, और जैसे ही आपने पैसे देने बंद करे आपका पैसा वो मतलब ट्रैफिक आना बंद, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसमें बेसिकली क्या कीजिए, हाँ जैसे मैंने अपनी सारी स्लाइड्स में बताया कि स्लाइड्स में फीडबैक ऑप्शन ज़रूर डालें किसी भी उसमें, अपनी कोई भी वीडियो बना रहे हो उसको बेसिकली आप सामने वाले से ये जरूर पूछें कि आपको सेटिस्फाइड वीडियो है, इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ गलत कहना चाहते हैं, बेसिकली अगर आपको कोई भी बंदा कमेंट करता है ना तो इसका मतलब ये है कि उसने आपकी वीडियो को ध्यान से देखा है, कोई भी बंदा बेफालतू में आपकी वीडियो पे कमेंट कैसे कर देगा जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि उन्हें वीडियो में डाला क्या है, तो बेसिकली कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो के लिए, तो कोई भी आप वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर बेसिकली ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि सजेशन के लिए या कुछ फीडबैक के लिए सर हमारे को कमेंट ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद जैसे ही आप कोई वीडियो बना लेते हैं, दूसरा पॉइंट जो हमारा है उसमें क्या कीजिए, जैसे ही आप वीडियो बनाते हैं उसको सोशल नेटवर्किंग पे जरूर शेयर कीजिए, मान लीजिए आपके 4 सोशल नेटवर्किंग ऐप हैं या 5 सोशल नेटवर्किंग ऐप पे आप हैं, ठीक है, तो उन 5 वेबसाइट्स पे जाइए, ऐप्स पे जाइए और उन पे अपना जो लिंक है यूट्यूब वाला उसको शेयर ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए 500 लोग आपके मान लीजिए एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे दोस्त हैं, उसके बाद क्या फॉलोवर्स हैं जो भी हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेसिकली, वो उसमें से 500 में से 5 ही लोग क्लिक करते हैं, बट 5 में से अगर एक भी बंदे को आपकी वीडियो पसंद आई तो वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा वीडियो का। उसके बाद जितने भी वीडियोज़ आएंगे ना, वो अगर मान लीजिए उसको पहली ही वीडियो पसंद आई, बाकी की 5 नहीं भी पसंद आई, तो वो आपकी वीडियो को बाकी 5 वीडियोज़ को भी देखेगा, कि हो सकता है उसको छठी इंटरेस्टिंग मिल जाए। तो इसलिए आपके फॉलोअर्स जो है मेन जो है सोशल नेटवर्किंग से ही बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बेसिकली आपको जो लिंक है वो आप, हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके जो शेयर लिंक है वो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सोशल नेटवर्किंग पे यूज़ कर लिया, अब क्या है वो जो आपके 500 से 600 फ्रेंड्स हैं वो लिमिटेड ही हैं। उसके बाद अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइए, उस सर्च इंजन पर जा करके आप उस पर क्या कीजिए, बेसिकली मान लीजिए आप किसी लीगल एडवाइस पे या किसी कुकिंग के टाइम पे आप वो दे रहे हैं सलाह, और वो एक ब्लॉग है, वहाँ पर आपको ना बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। अगर जैसे किसी भी सर्च इंजन पर आप डालते हैं ना, जैसे मान लीजिए लीगल एडवाइस, तो आपको 100 से ज़्यादा ब्लॉग मिल जाएंगे। अब वहाँ पर किसी ने डाली होगी अपनी, आपकी ये प्रॉब्लम है, उसकी वो प्रॉब्लम है, उसकी वो प्रॉब्लम है, वहाँ जा करके कुछ नहीं, अपने जो अभी आपकी वीडियो है उसका लिंक जाके शेयर कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने 200 जगह भी किसी ब्लॉग्स पर जा करके लोगों के कमेंट में 200 अपना लिंक पोस्ट करा, तो कम से कम नहीं तो कम से कम 2 लोग तो आपकी वीडियो देखने आएंगे, और अगर 2 लोगों को आपकी वीडियो पसंद आ गई तो बहुत है, आपका रेगुलर ट्रैफिक आता रहेगा आता रहेगा। दो दो करके आपको यकीन नहीं मानेंगे, अगर आपके डेली 2 कस्टमर ही बढ़ते हैं वीडियोस देखने के, तो 4000 घंटे आपके 3 से 4 महीने में आराम से ख़त्म हो जाएंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं तो। बाकी कोई गारंटी नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन हाँ ये है, अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं अपने चैनल पर तो आपका चैनल बहुत तेज़ ग्रो करता है। उसके बाद जब भी आप वीडियोस डाल रहे हैं उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो वीडियो है उसमें लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, उन जो कमेंट कर रहे हैं उनको आपको रिप्लाई भी देना है, ये नहीं कि उसके ना कमेंट कर दिया आप खुश हो गए, हाँ भाई इसने वीडियो मेरी वीडियो देख ली, बात खत्म, इसको इग्नोर कर दिया, उसको रिप्लाई ज़रूर दीजिए। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि आपकी वीडियो मेरे को ये पसंद नहीं आया, तो उसको ज़रूर बताइए, ठीक है सर मैं अगली बार आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपके लिए ये सजेशन है मेरा कि मैंने इस वीडियो में ये इसलिए ऐसे बताया है, इस वजह से मेरे को ये ऐसे बताना पड़ा, उसमें सब कुछ बताइए कि ये चीज़ मैंने अच्छी क्यों बताई है, ये बुरी क्यों बताई है, कैसे क्या क्या मैंने करा है। उसके बाद मैं अपने इंक्रीज और कैसे बढ़ाऊँ, सबसे पहले कोई भी आप वीडियो बनाते हो वो 2 से 3 मिनट की आराम से बनाइए, उससे कम की मत बनाइए, क्योंकि कोई भी बंदा आके आपकी वीडियो देखता है तो 2 से 3 मिनट की अगर वो देखता है तो आपका वॉच आवर बढ़ता है। वैसे तो आप 10 मिनट की बनाइए लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाती है, बट कम से कम नहीं तो कम से कम 2 से 3 मिनट की आप वीडियो बनाइए ही बनाइए। उसमें क्या होगा कि जो से जो जोक्स बना रहे हैं आप, तो वो जोक्स क्या होंगे वो 2 से 3 मिनट के होंगे, 2 से 3 मिनट में कोई भी बंदा सफ़र कर लेता है। दूसरी बात, जो आप मेन वीडियोस बनाते हैं वो आप 8 से 10 मिनट की बनाइए, 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो उसमें वॉच आवर्स आपका और ज़्यादा बढ़ेगा, और उसके अंदर 2 से 3 मिनट का आप जो बेसिकली स्टार्टिंग में जो होगा वो अपनी वीडियो के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि मैंने ये वीडियो इस चीज़ के लिए बनाई है, मैं लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, ऐसे वैसे। आपको लगेगा ये बोरिंग चीज़ है, बट क्या होता है इससे क्या होता है आपका वॉच आवर बढ़ता है। कोई भी, बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं लेकिन कुछ लोग स्किप नहीं करते, तो इससे बेसिकली क्या होगा आपका जो है वॉच आवर बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो कम से कम 10 मिनट की जो आप वीडियो बना रहे हो उसमें 2 से 3 मिनट का तो इंट्रोडक्शन डालिए। कभी भी आप देखिए कोई भी बुक होती है ना, उसका सबसे पहला पेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, फिर इंडेक्स होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। बेसिकली क्या होता है वो पेजेस की कॉस्ट लेते हैं, किसी से भी लेते हैं तो वो हर एक पेज की कॉस्ट होती है उसमें। तो ऐसे ही आपका क्या है, हर एक मिनट की कॉस्ट है इसमें, हर एक मिनट का आपको वॉच आवर मिलता है। तो वॉच आवर बढ़ाने के लिए आपको हर एक मिनट बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी वीडियो के अंदर बताइए कि मैंने क्या क्या टेक्निकल आइडियाज़ दिए हैं, कहाँ से सोर्स है, क्या है, कैसे है, मैंने कहाँ से लेके आया, मेरा मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, मैं आपको क्या भला करना चाहता हूँ आपका, सब कुछ बताइए उसमें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर जैसे मैंने आपको बताया था फीडबैक का ज़रूर डालें उसके अंदर, 15 से 20 सेकंड का लास्ट में फीडबैक के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करें, उससे भी आपका वॉच टाइम में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और उसके अंदर आप स्टार्टिंग में वीडियो में ये भी कह सकते हैं कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे बेसिकली आपको पूरी नॉलेज मिल सके और कोई भी चीज़ अधूरी ना रह सके। ये बात ज़रूर मेंशन करना आपकी वीडियो में, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी वीडियो पर फोकस कर रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ये बात सुन के भी उसको इग्नोर करते हैं, बट आपको हमेशा ये वीडियो में कहना है कि प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद आपकी जो वीडियो है उसमें उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताइए कि क्या क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है। अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई मैथ्स का ट्यूशन दे रहे हैं, तो आपको इससे लेंथी पड़ेगा, इस फॉर्मूले से शॉर्ट पड़ेगा, इस मेथड से कीजिए ये आसान है, ये नुकसान है, ठीक है।
और उसके बीच में जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें हंसी मजाक करते रहिए। उसमें क्या होता है बेसिकली जो भी आपका वीडियो देख रहा है ना बंदा, उसमें कुछ को लेक्चर जो आपका बोरिंग नहीं लगता। अभी जो मैंने वीडियो बनाई है ये बिल्कुल सीरियस वीडियो बनाई है, इसमें मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि ये एजुकेशन वीडियो है, लेकिन इसमें भी ये हंसी मजाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होगा बेसिकली बंदा क्या है उसका ध्यान नहीं भटकता और वो ध्यान देता रहता है। उसके बाद मैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाऊँ अपने, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं बेसिकली सबसे पहले आप अपनी वीडियो को कंटिन्यूसली डालिए। अपनी जो भी वीडियो है आप हफ्ते में एक, मान लीजिए दो हफ्ते में एक जरूर डालिए, ठीक है। और जैसे भी आप अपनी वीडियो डालते हैं तो उसकी जो लिंक है वो सारे के सारे लिंक शेयर ज़रूर कीजिए। मान लीजिए आपने दो वीडियो इस हफ्ते डाली तो दोनों वीडियो के लिंक अपनी सोशल नेटवर्किंग, मान लीजिए आप पांच सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे हैं तो पांचों में उस सोशल नेटवर्किंग पे, फिर उसके बाद सर्च इंजन पे जाकर के जैसे मैंने बताया कि ब्लॉग्स में वहाँ पर जा जाके कमेंट्स में आप अपने लिंक को मेंशन ज़रूर करें। उसके बाद जैसा मान लीजिए डेली आप पब्लिक व्हीकल यूज़ करते हैं, आप बाइक पे जाते हैं तो बाइक वालों और गाड़ी वालों के लिए ये नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सोशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपके पास एक से सवा घंटा होता होगा रोज़ सुबह का और शाम का। जो भी आप वीडियो बनाते हैं ना डेली आप न्यू ब्लॉग सर्च कीजिए, उस पर आप जा करके अपने कमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे मान लीजिए आज आपने वीडियो बनाई, उसके बाद जैसे आपने सोशल नेटवर्किंग पर डाली, ठीक है, उसके जैसे ही आपको 500 से 600 कस्टमर तो मिल गए, लेकिन उसके बाद रेगुलर आप जैसे ही डालते हैं, आप अगर रोज़ 10 ब्लॉग नहीं सर्च करते हैं और उस 10 ब्लॉग में आपको 3 से 4 आपके जैसे कंसल्ट लेने के लिए लोग मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर के उनको बता भी सकते हैं कि सर आप मेरी वीडियो देखिए आपको यहाँ से सलाह अच्छी मिल जाएगी। और अपनी वीडियो में ये ज़रूर बोलिए कि मेरी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल बटन है वो ज़रूर दबाइए। बेल बटन से क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो वीडियो है सारे बंदे देख, जैसे ही आप कोई नई वीडियो डालेंगे उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे इस बंदे ने नई वीडियो डाली है और आप उस वीडियो को फिर से देखें। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली हमारे को अपने वीडियोस पे नंबर ऑफ़ व्यूअर्स कैसे बढ़ाने हैं, कैसे मैं आइडियाज़ लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, क्या करूँ। मान लीजिए मैंने सोच लिया कि हाँ ठीक है मेरे को वीडियोस बनानी है, उनको अपना चैनल क्रिएट करना है, लेकिन उसके आइडियाज़ कैसे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, क्या करूँ, किस तरह से करूँ। तो बेसिकली हम बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं जहाँ पर हम जोक्स, कोई भेदभाव, मतलब बेसिकली न्यूज़ टाइप, कोई इंस्पिरेशन थॉट्स या कोई बिजनेस गिर रहा है, बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, उसकी न्यूज़ देखते रहते हैं। तो वहाँ से कोई भी एक आइडिया सेलेक्ट कर लीजिए, उस आइडिया को बेसिकली अलग अलग सर्च इंजन पे जाकर के, कोई पर्टिकुलर सर्च इंजन पे नहीं, 3-4 सर्च इंजन पे ज़रूर जाना, क्योंकि हर सर्च इंजन पे आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा डिफरेंट थोड़ी सी मिलेगी। उससे आपको क्या होगा बेसिकली नॉलेज आपको ज़्यादा मिलती है। तो अलग अलग सर्च इंजन पे जाइए और जाकर वहाँ पर स्टडी कीजिए। उसके बाद जो भी आपने वीडियो बनानी है उसके नोट्स बनाइए। जैसे मैंने ये पूरी पहले पीपीटी तैयार करी, इस पीपीटी को बनाने में 6 से 7 दिन लगे, ठीक है। उस पीपीटी को बेसिकली आप वैसे ही एक पीपीटी बनाएं अपनी कोई डायरी में या किसी नोटपैड पे, कहीं भी जाकर उसको मेंशन करें और उस आइडिया को लिखिए, और उसके बाद उसको सर्च कीजिए कि कौन सा आइडिया बेस्ट रहेगा, कौन सा बेकार रहेगा। उसका पूरा जब आप वर्णन कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये सोचना है कि बेसिकली मैं YouTube के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करूँ। मान लीजिए आप 10 से 6 की नौकरी करते हैं या 9 से 6 की नौकरी करते हैं, तो सुबह तो टाइम देना पॉसिबल नहीं है, रोज़ शाम को 1 घंटा दे सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन दे सकते हैं, या संडे को ही आप फ्री होते हैं तो संडे को खाली 2 घंटे दे सकते हैं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि बेसिकली आपकी जो जॉब है उसमें आपको लीव कैसे मिलती है, कैसे आपको टाइम मिलता है, कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपना रोस्टर बना सकते हैं, वो सब आपको देखना होगा। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट हॉलीडे देखना होगा कि आपके जो हॉलीडेज दिन है, मान लीजिए जैसे आपको संडे की छुट्टी है और आपने वेडनेसडे को सपोज किया कि मेरे को आज वीडियो बनानी है, तो आप उस दिन अपना आइडिया लिख लीजिए, माइंड में प्रिपेयर होते जाइए और संडे को ये सोच लीजिए मेरे को अपनी वीडियो बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो बेसिकली आप क्या कीजिए उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए। अगर मान लीजिए जैसे आपने वीडियो बनाई, जो भी आप बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं और 1 घंटे का टाइम है, तो उसको सोशल नेटवर्किंग पे फ्रेंड्स से बात करके वेस्ट ना करके आप उसको प्रमोशन में यूज़ कीजिए। सपोज़ कीजिए आपने अपनी वीडियो का लिंक 100 लोगों को एक रूट में शेयर करते हैं, मान लीजिए आधे घंटा लगता है आपको ऑफिस पहुँचने में और उसमें से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो 20 मिनट है, उस 20 मिनट में अगर आप 100 लोगों को भी अपना लिंक डाल देते हैं या आप 100 नहीं तो 50 लोगों को भी डाल देते हैं, तो ये सोचिए 50 सुबह के और 50 शाम के, 100 लोग डेली
अगर आप एक हफ्ते में 700 लोगों को अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, 700 में से 7 भी आपके रेगुलर सब्सक्राइबर बन रहे हैं, तो क्या नुकसान है? उसके बाद आपका वॉच आवर इतनी स्पीड से बढ़ेगा, एक साल बाद आपके चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ देखने वाले लोग आ जाएंगे और आपको फिर किसी भी चीज़ की या किसी पेड प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे उसके बाद आपको बेसिकली डिसाइड करना है आपका गोल कि आप वर्किंग आवर्स में कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे और कौन कौन से हॉलीडे पे कैसे कैसे आप यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपके सैटरडे संडे छुट्टी है, सैटरडे हाफ डे होता है, कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है और क्या करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ़ व्यूअर्स कैसे बढ़ाना है। हालांकि मैं सबसे पहले बता ही चुका हूँ कि कैसे सब कुछ करना है, कैसे कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करना है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने अलग से इसके लिए बनाया है कि कैसे कैसे आपको नंबर ऑफ़ व्यूअर्स बढ़ाने, क्योंकि नंबर ऑफ़ व्यूअर्स जितने बढ़ते हैं ना आपकी वीडियोस पे उतने ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन होने लग जाती है। मान लीजिए 100 लोगों ने आपकी वीडियो देखी, 100 में से सिर्फ 10 ही लोग होंगे जिनको अच्छी लगी या बुरी लगी, जो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 70 तो ऐसे होंगे जो आएंगे देखेंगे और चले जाएंगे, इग्नोर कर जाएंगे। उसके बाद बेसिकली उन 10 को आपको पकड़ के रखना है, अट्रैक्ट करके रखना है। तो वो नंबर ऑफ़ व्यूअर्स कैसे बढ़ाने हैं ये मैं आपको बताऊँगा। जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो बेसिकली दो ऑप्शन हमेशा तैयार रखें। सबसे पहला टाइटल और डिस्क्रिप्शन। जो भी आपका टाइटल है वो बेसिकली गुड होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, मतलब बेसिकली लोगों के दिमाग में, जैसे मान लीजिए आप फ़नी वीडियो डालना है तो फ़नी वीडियो में आप बेसिकली डाल सकते हैं कि दिस इज़ द फ़नी वीडियो और बेस्ट कॉमेडी और कुछ भी ऐसा करके जो कॉमन वर्ड्स हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको कुकिंग करनी है, कुकिंग में आप सर्च कर रहे हैं जैसे आपको आज गोलगप्पे खाने हैं, तो गोलगप्पे में सबसे ईजी वर्ड है गोलगप्पे। आप गोलगप्पे रेसिपी भी डाल सकते हैं, गोलगप्पे मेकिंग प्रोसेस भी डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप के आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया यूनिक और सबसे कॉमन, यूनिक भी और कॉमन भी दोनों चीज़ें, क्योंकि कॉमन वर्ड्स जो है हमारे को वो डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं, यूनिक वर्ड्स जो हमारे को टाइटल में लिखने हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना और हमारे को इसी हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन और टाइटल डालना है। उसके बाद जैसे ही हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको 5000 वर्ड्स मिलते हैं खाली। डिस्क्रिप्शन में आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उस वीडियो को लेकर के, कि मैंने इसमें ये बनाया, वो बनाना है, फलाना ढिमकाना जो भी है, सब कुछ आप उसमें पूरा एक्सप्लेन कीजिए, पूरे 5000 वर्ड्स को यूज़ कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए जैसे आपके 5000 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो पूरे 5000 वर्ड्स को बेसिकली अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है, सपोज़ कीजिए आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ और वर्ड्स भी लिखे हुए हैं और कोई उस चीज़ को सर्च करता है तो तब भी आपकी वीडियो सजेशन में आएगी। उससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन रेट बहुत बढ़िया बढ़ता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए जैसे आपने बिज़नेस स्टार्टअप पे वीडियो बनाई और आपने सबसे उसमें डाला, किसी ने बंदे ने सर्च करा हाउ वी कैन डू ऑनलाइन बिजनेस, तो आपके डिस्क्रिप्शन में अगर ये वर्ड लिखा होगा तो आपकी वीडियो जो है सजेशन में जरूर आएगी, चाहे भले ही नीचे से 50 नंबर पे है लेकिन सजेशन में ज़रूर आएगी। तो इसलिए अपना जो है डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ा से बड़ा ज़रूर लिखें। अब सबसे बड़ी बात, हमने इतना सारा काम तो कर लिया, अपनी एक्टिविटी को चेक कैसे करें कि हमने क्या करा कैसे करा सबसे पहले, ठीक है। तो यूट्यूब की जो एक्टिविटी है, सबसे पहले चेक करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जा करके हमारे को YT स्टूडियो डाउनलोड करना होगा। YT स्टूडियो जैसे ही हम डाउनलोड कर लेंगे, इसमें बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, डैशबोर्ड, एक्टिविटीज़, हमने वीडियो कैसे डाली है सारी, ऑल वीडियोज़, मोनेटाइजेशन एलिजिबल और अंडर आई रिस्ट्रिक्शन वीडियो, कॉपीराइट क्लेम वॉयलेशन, सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑल दिस वीडियो, जैसे बेसिकली कॉपीराइट क्लेम्स होती है, वॉयलेशन होती है, 18+ होती हैं, इनको बेसिकली एज पर गाइडलाइन ठीक करनी है। आपको क्या करना है, कॉपीराइट क्लेम्स में बेसिकली क्या होता है, म्यूज़िक जो होता है ना वो आपको कॉपीराइटेड होता है, तो आप उस म्यूज़िक को क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब के म्यूज़िक के साथ ना रिप्लेस कर सकते हैं। यूट्यूब का जो म्यूज़िक होता है वो फ्री होता है, यूट्यूब फ्री में प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली आप उस म्यूज़िक को भी यूज़ कर सकते हैं। 18+ और वॉयलेशन की जितनी वीडियोज़ हैं वो प्लीज़ मेरी बात माने तो रिमूव कर देना अपने चैनल से, क्योंकि यूट्यूब इन फ्यूचर ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि मुझे भी 2 बार ब्लॉक कर चुका है वो, तो इसलिए तीसरी मेरी भी वो है वार्निंग, तो इस वजह से आपको आगे फ्यूचर में ना दिक्कत हो तो इसको ज़रूर ध्यान रखना, वॉयलेशन और 18+ वीडियो ना ही हो आपकी तो ज़्यादा अच्छा है। YT स्टूडियो में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, लाइव व्यूअर्स चेक कर सकते हैं, अप टू डेट टाइमली चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके उसमें, क्या नहीं चल रहा। अगर मान लीजिए जैसे एक पर्सन है, उसने 10 मिनट की वीडियो अपलोड करी, ठीक है, और किसी ने स्किप कर करके देख रहा है तो उसके 4 मिनट ही उसने देखा, तो YT स्टूडियो आपको वो भी बताएगा कि बेसिकली आपकी जो चैनल की वीडियो है, अगर मान लीजिए 10 मिनट की वीडियो, तो उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 4 मिनट ही आ रही है, तो वो भी आपको उसमें मेंशन होता है सब कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे बेसिकली इस लिंक पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, या फिर मेरी FB ID पे भी मैसेज कर सकते हैं, ये है, और ये मेरी मेल ID है पर्सनल, इस पर भी आप मेल डाल सकते हैं। और मैं ये जो भी वीडियो बनाई है इसकी गाइडलाइंस की मैं कोई गारंटी नहीं लेता,
ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि जो भी मैंने देखा है पढ़ा है उसी हिसाब से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन जो भी आप वीडियो भी बना रहे हैं उसमें भी आप ये लिख लीजिए कि बेसिकली आप जो भी वीडियो आपने बनाई है उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे आप, ठीक है। आपने जो भी सीखा है आगे से जैसे भी बताया है आपने वो वीडियो बनाई है, बाकी जो भी आप काम कर रहे हैं अपने किसी ही रिस्क पे करें, और एक बार टर्म्स एंड कंडीशन गाइडलाइंस जो भी है उसकी एक बार पढ़ जरूर लें, ठीक है। और आपके आइडिया को अपने खुद से भी सजेस्ट करें, खुद से भी उसके बारे में सर्च करें। थैंक यू।